आरएस यूनानी फार्मेसी। गुर्दे पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। रब्त करें 9390610436 पर। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 1 मई की देखते हैं टॉप 10 न्यूज। मजहब इस्लाम बजोर तलवार व जबरदस्ती के फैला, ऐसे मानने वालों को एक बार फिर हुई मायूसी। फिलिपाइन की मशहूर टिकटॉक स्टार फियोना जेम्स ने दुबई में इस्लाम किया कबूल। इस्लामी नाम रखा जैनब, टिकटॉकर ने कहा अपनी मर्जी और खुशी से मजहब इस्लाम किया कबूल। दुबई अथॉरिटी की जानिब से 9 मुस्लिम का सर्टिफिकेट जारी। यूरोपीय मुल्क डेनमार्क में एक बार फिर कुरान मजीद की गई बेहरमती, साथ ही तुर्किया के परचम के खिलाफ किया गया इश्तियाल अंगेज हमला। इस्लाम मुखालिफ बैनर्स के साथ दीन इस्लाम की तौहीन के नारे और तुर्क परचम की बेइज्जती करने वाले इश्तियाल अंगेज शख्स ने ये लम्हात अपने ट्विटर पर किए शेयर। जंगजदा मुल्क सूडान में मुताहरिब फरीकीन मुज़ाकरात के लिए हो गए तैयार। अक़वामे मुत्तहिदा के एलजी बराए सूडान वोल्कीर 35 ने किया दावा। एक बयान में अक़वामे मुत्तहिदा के एलजी ने कहा सूडान में फरीकीन ने मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदे कर दिए नामजद, मुज़ाकरात के लिए कोई टाइम लाइन नहीं की गई तय। तलाक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा अहम फैसला, कहा जहां ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं बची तो ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट तलाक की दे सकता है मंजूरी। आईनी बेंच ने कहा आईन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास खसूसी इख्तियारात हासिल। कर्नाटक के मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सिक्योरिटी में देखी गई बड़ी कोताही। रोड शो के दौरान इंतकाबी मुहिम के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई गाड़ी पर फेंका गया मोबाइल फ़ोन। फ़ोन फेंकने वाली खातून को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया हमले के पीछे नहीं थी कोई बुरी नीयत। कर्नाटक में इख्तदार की दोबारा वापसी के लिए बीजेपी के सारे बड़े सितारे इन दिनों कर्नाटक में मौजूद। एक तरफ पीएम मोदी का रोड शो, दूसरी तरफ रायचूर में सीएम योगी का एक रैली से खिताब। दौरान जलसा कांग्रेस पर की जमकर तनकीद, साथ ही खेला अयोध्या राम मंदिर का भी प्ले कार्ड। गुज़िश्ता 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह सिकंदराबाद में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक 9 साल मोनिका मेनहोल में गिर कर हो गई थी हलाक। अब मुतासिरा के घर पहुंचे मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव। मोनिका के अहल खाना को सौंपा 5 लाख रुपए का माली इमदाद चेक। मोनिका की मौत पर अफसोस का किया इजहार। जिले महबूब नगर में बेरोजगार नौजवानों की एक बड़ी रैली से टीपीसी सदर रेवंत रेड्डी का खिताब। केसीआर हुकूमत पर की जमकर तनकीद, कहा तेलंगाना के लिए कुर्बानी नौजवानों ने दी लेकिन इख्तदार केसीआर खानदान तक हो चुका महदूद। केसीआर पर 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। पुराने शहर के चार मीनार के दामन में सियाहती सरगर्मियों में होगा मजीद इजाफा। एक और तारीखी इमारत में सियाहती मरकज के आगाज में अब चंद माह बाकी। तफरीही व सियाहती मरकज के तौर पर सरदार महल की तरक्की के काम 3 माह में होंगे मुकम्मल। आर्ट गैलरी, कैफे और हेरिटेज होटल भी की जाएगी कायम। हैदराबाद के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात हुई गरज व चमक और तेज़ हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। कई मकामात पर बारिश से जानी व माली नुकसान की भी खबरें। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में सबसे ज़्यादा 105 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मज़ीद 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान। ये थी बीबीएन टॉप 10 न्यूज़ में 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाएं आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।